जी देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोगों की कोई मौजूदगी नहीं है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ से नहीं ले सकते हैं। अब आपको ये दिखाएंगे, ये देखिए कितना सुंदर ये घाट है और यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। टीम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, एसपीजी की मौजूदगी है, क्रू से यहाँ पर उतरेंगे, कुछ देर यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाय रोड जो है वो काल भैरव के दर्शन करेंगे। वहां पर दर्शन करने के बाद जिला आपको बता दें कार्यालय पहुंचेंगे। ये माना जाता है कि एडिशनल जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं कि जब भी काशी आए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करें और उसके बाद काल भैरव के दर्शन करने जरूरी है, वरना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये आप सुनिए, देखिए सुंदरता देखिए इस घाट की, बहुत जबरदस्त है। हम थोड़ा किनारे आ गए हैं क्योंकि वहां से उस घाट पर पहले मौजूद थे वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन वहां से अब टीम है तो वहां मीडिया कर्मियों को हटा दिया गया है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए यहां पर थोड़ी देर बाद आएंगे, बहुत ज्यादा यहां रुकने की उम्मीद नहीं है। काल भैरव यहां से पहुंचने में मात्र 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद वहां पर पूरी तैयारी है, जो पूजा अर्चना उन्हें करनी है उसके बाद सीधा पहुंचेंगे जिला कार्यालय। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज का जो मुहूर्त है ये गंगा सप्तमी की तारीख है और गंगा सप्तमी के हिसाब से ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, जब पीएम मोदी इस मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 1 जून को मतदान होगा यानी कि 7वें और आखिरी चरण में, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा रोड शो, वो रोड शो वाकई अविस्मरणीय था, अद्भुत था। जिस तरीके से काशी की जो नगरी है पूरी तरीके से एकदम भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही थी, एक लंबा रोड शो, उसके बाद पीएम मोदी भी दोनों तरफ देख रहे थे, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, उन्हें आश्वस्त कर रहे थे। जगह जगह लगा हुआ था कि मोदी की गारंटी, मतलब पक्का होने की गारंटी, जो जो काम मोदी ने काशी के लिए किए हैं, देश की जनता के लिए किए हैं, वो जगह जगह हमने देखे उनका। हाँ। वहां पर पूरा जिक्र था काशी। मैं एक बार जरा, जब हम बात करते हैं, जैसा आप बता रही है प्रियंका, नमो घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जरा एक बार कलेक्ट्रेट दफ्तर की तस्वीर दिखा दूं। मेरे ठीक पीछे जहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नामांकन करने वाले हैं, यहाँ पर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नामांकन है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़े नेता और उनके साथ बीजेपी के नेताओं का एक हुजूम भी यहाँ पर पहुंचेगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो एक तरह से यहाँ पर लगा दिया गया है। मैं एक बार जरा लोगों से पूछती हूँ, आप बनारस? जी मैम, बनारस। तो नामांकन के लिए देखने आए हैं प्रधान? अभी हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट था, मैंने अभी रात भर जागा है, ड्यूटी किया है। हाँ। लेकिन नामांकन के लिए हम खास करके मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और हमारे सांसदीय क्षेत्र में वो खड़े हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है मैम। अच्छा, तीसरी बार उनका नामांकन? जी तीसरी बार है, लेकिन इस बार हमें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और कुछ ज्यादा उनको जानकारी हुआ है हमें। आप बताइए, आप यहाँ? हाँ मैम, इसी हम बनारस के रहने वाले हैं, हमें मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और इसमें हम स्टाफ भी हैं जो है। हाँ। तैयारियां कब से हैं यहाँ पर? अरे मैम, तैयारियां तो हमेशा यहाँ पर भरपूर होता है जो है बनारस में मोदी जी का, जो हम लोग का टारगेट है। अच्छा। 400 पार की टारगेट हम लोग बोलते हैं, आप तो हम लोग मतलब जैसे हम लोग पूरे बनारस के लोग। तो बनारस के लोग भी 400 पार की बात कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। उनको लगता है कि सिर्फ बनारस के जरिए ही, बनारस के एक तो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा बनारस के शेर हैं, यहाँ से ही 400 पार कर देंगे। एक बार सृष्टि के पास चल रही हूँ और सृष्टि, जैसे कि आप चार प्रस्तावकों की हम बात कर रहे हैं, उसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री भी हैं, जैसा आपने जानकारी दी, जरा और जानकारी दीजिए चारों प्रस्तावकों के बारे में। जैसा मैंने कहा, गणेश्वर शास्त्री जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर की जो शुभ मुहूर्त है, प्राण प्रतिष्ठा का, वो निकाला, और उनके अलावा तीन और प्रस्तावक हैं, जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये नामांकन खत्म होगा उसके बाद इन चारों के पास एक मीडिया की भीड़ पहुंचेगी, हुजूम पहुंचेगा, आप भी जानते हैं। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ये कोशिश जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ जारी है, क्योंकि अभी तक संजय की स्थिति थी, कई नाम यहाँ पर चल रहे थे लेकिन नामों पर पुख्ता मुहर लग नहीं पा रही थी, इसीलिए मीडिया कर्मी भी लगातार कोशिश कर रहे थे जानने की। लेकिन चूंकि अब ये चार नाम क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से, जैसा आपने बताया कि पंडित गणेश्वर शास्त्री जी की अगर बात करें तो उन्होंने ही मुहूर्त निकाला था राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, और उनका नाम इसमें शामिल है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसी के साथ बैजनाथ पटेल की अगर बात करें तो ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको इसमें पूरी तरीके से जगह दी गई है। इसके साथ तीसरे नाम की बात करें तो वो लालचंद्र कुशवाहा हैं, ये भी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं, और चौथा नाम है संजय सोनकर का, ये दलित समाज से आते हैं। तो एक तरीके से जो पूरा समीकरण है वो भी यहां पर बिठाने की पूरी कोशिश की गई है, और ये वो चार नाम है जिसका इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था, संशय की स्थिति थी, लेकिन अब संशय पूरी तरीके से यहां पर क्लियर होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ तस्वीर आपको कलेक्ट्रेट दफ्तर
सेक्टर के भीतर की एक बार हम दिखा दें कि कैसी तैयारी यहां पर की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है, तो सुरक्षा यहां पर पूरी है, तैयारी आप लगातार देख पा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि 11:40 का समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री यहां पर अपने नामांकन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन खास बात यह होगी जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी यहां करने की कोशिश करेगी। उनके साथ 12 राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के तमाम बड़े नेता दिग्गज यहां पर मौजूद होंगे और 11:40 का वो समय बेहद अहम होगा जो तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मोदी जी जिंदाबाद, हर हर महादेव। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो सब कुछ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में फिर मोदी मोदी की गूंज है। एक बार फिर काशी की पावन भूमि से लोकतंत्र के महापर्व में नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। आज 11:40 पर पीएम मोदी काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज एनडीए नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी काशी में काल भैरव का आशीर्वाद भी लेंगे और एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर मंथन भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 8:40 पर पहले गंगा पूजन और स्नान करेंगे। 80 घाट पर पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है। इसके बाद सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर में पीएम दर्शन और पूजन करेंगे। सुबह 10:15 कलेक्ट्रेट के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। 11:40 पर पीएम मोदी का नामांकन होना है। दोपहर 12:10 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर से रवाना हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक तैयार किए गए हैं। इनमें आचार्य गणेश्वर शास्त्री, मांझी समाज से एक प्रस्तावक सोमा घोष, सरोज चूड़ामणि और एक और महिला प्रस्तावक का नाम तय किया गया है। पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता और बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जाहिर है पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी की फिजा में एक अलग ही जोश है। कल नामांकन से पहले पीएम मोदी ने जो मेगा रोड शो किया उसकी तो पूछिए ही मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या आम क्या खास, सड़कों पर जहां तक नजर जाए उधर लोग ही लोग। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों का ये हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि काशी की जनता का मिजाज क्या है। करीब 4 घंटे तक चले पीएम मोदी के इस मेगा रोड शो में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मोदी जी का क्रेज कैसा है बनारस? एक नंबर पे, 400 पार, नंबर 1 काशी हो गया। मतलब पहले काशी जो था उससे बहुत अच्छा हो गया। अब की बार 400 पार। कुछ रहे 4 जून को उनको जवाब मिल जाएगा, खुद ही 4 जून को। कहीं भी ऐसा नहीं बचा कि मोदी जी को कोई हरा पाए। विपक्ष कह रहा है संविधान खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करेंगे। उनको कहने दीजिए तो बकते रहेंगे, उनका तो काम है बकना। तो मोदी के लिए तो ये शरीर एकदम कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ, वो तो साक्षात कलयुग के देवता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करने वाली हिमांगी सखी भी रोड शो में पहुंची और दावा किया कि पीएम के समर्थन में नाम वापस ले रही हूं। काशी में डमरू वादन, शहनाई वादन और शंखनाद से सड़कों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। आज पीएम पहले गंगा स्नान करेंगे, फिर क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे। यूं तो मोदी कई बार काशी पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मौका
वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन का है। वाराणसी में सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। ये वो काशी है जो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। ये वो काशी है जो अध्यात्म ही नहीं सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। माँ गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। 2014 में उन्हें 54%, 2019 में 64% वोट के साथ जीत मिली थी। अब की बार लक्ष्य काशी में 10 लाख पार और देश में 400 पार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। शुभ मुहूर्त में सुबह 11:40 पर अपना पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान 12 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह में न सिर्फ सीएम बल्कि 18 कैबिनेट मंत्री समेत कई सांसद विधायक भी शामिल होंगे। नामांकन से पहले पीएम मोदी सुबह 8:40 पर 80 घाट पहुंचने का उनका टाइम था। करीब 10 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शहर में नमुघाट तक क्रूज यात्रा भी करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी झारखंड के लिए रवाना होंगे। नामांकन दाखिल करने के पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत, अभिन्न और अप्रतिम, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होंगे 4 प्रस्तावक। पहले प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, दूसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल, तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा, चौथे प्रस्तावक संजय सोनकर। हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत आज भरेंगी नामांकन पर्चा। भरने से पहले कंगना करेंगी रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 जिलों में करेंगे चुनावी प्रचार। अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, कैंट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर जताया दुख, कहा बीजेपी परिवार और संगठन के लिए ये अपूर्णीय क्षति है।